देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के। फिरोजाबाद थाना मटसेना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बाइक से मोबाइल लूट करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, तीन लुटेरों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 22 मोबाइल सहित 2 बाइक और असला भी किया बरामद। वहीं लुटेरों का एक साथी मौका पाकर भागने में रहा सफल। फिरोजाबाद में आए दिन हो रही थी मोबाइल छिनैती की घटनाएं, काफी समय से थी पुलिस को इन लुटेरों की तलाश। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर किया मामले का खुलासा। फिरोजाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। ये थाना प्रभारी अंजेश हैं मटसेना के, इनकी कार्रवाई है, बहुत अच्छी कार्रवाई की। उन्होंने 22 मोबाइल, 1 टैब और 2 मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। 3 मुलजिम है इसमें, शिवा, नीटू, ज्ञानी, अभी गुड्डू भाग गया है। तो अब आप ये समझिए कि 22 मोबाइल हैं, लोगों से बात हुई है, किसी कहीं से ना कनेक्ट हो रहे हैं सब। वादीगढ़ आके अपना बता रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं, शाम तक वो लोग आ भी जाएंगे। और एक मोटरसाइकिल जो है ये चोरी की है, अभी कनेक्ट नहीं हो पाई है। एक और भी जो इनसे बरामद हुई है पल्सर, वो उसी से घटना करते हैं। ये मोबाइल आप देख ही रहे हो, रोज ही शाम को एक ना एक मैसेज आ जाती है कहीं कहीं से कि मोबाइल छिन गया है। होता छोटी सी चीज़ है लेकिन मैसेज खराब जाती है। कोई भी आदमी, मोबाइल तो बहुत बड़ी चीज़ है ना आदमी के लिए, उसके हिसाब से जो उसमें नंबर होते हैं, मैसेज होते हैं और उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, तो पब्लिक परेशान होती है। ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, ये 22 मोबाइल 22 लोगों को प्राप्त होंगे तो उनका विश्वास कायम होगा। और ये इस टीम ने बहुत जिम्मेदारी से लगकर कार्रवाई की है। मोबाइल कितनी कीमत तक के होंगे? मोबाइल और गाड़ी दोनों मिलाकर